हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम 2021 के लिए प्रमुख जीआई टेक जो है इनके बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, जीआई टेक जो टॉपिक है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और हाल फिलहाल के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये छोटा सा वीडियो सेशन होने वाला है। जीआई टेक क्या है पहले इसके बारे में बताऊंगा, फिर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं, तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से आप। देखिए, जीआई मीन्स क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। ये भौगोलिक संकेतक खाद्य सामग्री की जो वस्तुएं होती है उनको भी दिया जाता है, और जो भी प्रसिद्ध उत्पाद होता है किसी राज्य का उसको ये जीआई टैग दिया जाता है, जो कि देश में महत्व रखता है काफ़ी ज़्यादा। ये जीआई एक्ट जो है, टैग एक्ट, ये कब पारित हुआ, ये 1999 में हुआ, और 10 वर्ष के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, फिर इसको नवीनीकृत किया जाता है, नयापन दिया जाता है। और पहला जो जीआई टैग है ये कब दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, और ये पश्चिम बंगाल का पंजीकृत है। इसमें कब दिया गया, तो ये दिया गया 2004 के अंदर। अब देखिए इसकी टैगलाइन क्या है, जीआई टैग की टैगलाइन क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये इसकी टैगलाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों, बात करें जीआई टैग लिस्ट 2020 की, तो 2020 में देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया। देखिए यहाँ पर आप प्रोडक्ट देखेंगे, इधर स्टेट या जिले देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है जिनको 2020 में जीआई टैग मिला। तेजपुर लीची जो कि असम है, असम में है, इसको दिया गया। फिर मिर्च डाले खुरसानी, ये प्रोडक्ट है, ये सिक्किम का है, इसको टैगलाइन दिया गया। फिर मिंदोली केला जिसको मोयरा केला भी कहते हैं, ये गोवा का है, इसको टैगलाइन मिला। फिर हरमल मिर्च, ये भी गोवा से हैं, इसको जीआई टैग दिया गया। फिर है त्योहारी मीठे पकवान खाजे जो कि गोवा का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। फिर है थमाम पट्टी लकड़ी की नकासी, ये तमिलनाडु में है, इसको जीआई टैग दिया गया। लेटेस्ट में दोस्तों पूछा जा सकता है कश्मीरी केसर जम्मू कश्मीर की है, इसको जीआई टैग दिया गया नवीनतम। फिर है तंजावुर नेती वृक्ष और अरुम्बूर लकड़ी की नकासी, ये तमिलनाडु की है, इसको टैगलाइन दिया गया जीआई टैग। इसके बाद है कोहबर और सोहराई, मिट्टी के दीवारों पर उकरी जाने वाली कला है ये, ठीक है, ये कहाँ की है, ये झारखंड हजारीबाग, याद रखना है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद दोस्तों खोला या खोलची मिर्च, ये गोवा की है, इसको जीआई टैग मिला। काले चावल यानी ब्लैक राइस चखाओ, जिसको चखाओ बोलते हैं, ये मणिपुर के हैं, तो इसको टैगलाइन दिया गया है जीआई टैग। और गोरखपुर टेराकोटा, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर है कोविल पट्टी की कदलाई मितई, मूंगफली की कैंडी, ये भी तमिलनाडु की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये 2020 के जीआई टैग्स हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था। पहला उत्पाद मैंने आपको बताया, क्या होगा इनमें से, लाइव चैट में लिखिएगा आप, पहला जीआई टैग पाने वाला उत्पाद कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये है दोस्तों बी, दार्जिलिंग की चाय, और दार्जिलिंग की चाय जो है स्टेट आपसे पूछा जाए तो बताना है पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग अब तक लगभग कितने उत्पादों को मिल चुका है, कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है 2020 तक। तो यहाँ दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 361 उत्पादों को जीआई टैग अब तक मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है, एक्ट आपसे पूछा गया है कौन सा एक्ट है। तो यह है दोस्तों भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999, इसके तहत जीआई टैग दिया जाता है। इसके बाद है भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है, ये जारी कौन करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जीआई टैग जारी करने का काम किसका है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, एक तरफ जीआई टैग प्रोटेक्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्टेट दिया हुआ है। देखिए चखाओ काला चावल, ये मणिपुर,
इसके बाद है बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश, इसके बाद है अरनमुल्ला कनादी आंध्र प्रदेश, इसके बाद है बर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल। कौन सा मेल नहीं खाता या सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है, अरनमुल्ला कनादी ये आंध्र प्रदेश का नहीं है बल्कि ये केरल का है, और ये एक तरह का दर्पण होता है, एक दर्पण होता है ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है अरनमुल्ला कनादी, इसको दूसरा जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है, बाकी ये सही सुमेलित है। इसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, सही जो मेल खाता है सुमेलित है वो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सही जो सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी, पाटन पटोला गुजराती। ये पाटन पटोला क्या है, ये एक साड़ी है दोस्तों, और ये राजशाही साड़ी है जो काफ़ी महंगी आती है। पाटन पटोला गुजरात के अंदर पाटन जो जगह है यहाँ पर ये बनाई जाती है, तो साड़ी प्रोडक्ट है पाटन पटोला, ये सही सुमेलित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है, क्या क्या लाभ है जीआई टैग मिलने के, जीआई टैग से क्या लाभ होता है किसी प्रोडक्ट को या स्टेट को। देखिए पहला है, ये उपभोक्ताओं को वांछित लक्षणों के गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए मदद करता है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। इनमें से कौन कौन से लाभ सही है, यहाँ दोस्तों ये तीनों ही बातें सही है जीआई टैग के बारे में, ये लाभ मिलता है जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है। नेक्स्ट है, पोकली एक यूनिक सेला इन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है। पोकली जो है ये यूनिक सेला इन चावल की किस्म है, कौन से स्टेट में इसकी खेती होती है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के अंदर दोस्तों त्रिशूर, अरनाकुलम, अलापुझा ये जो जिले हैं क्षेत्र है यहाँ इसकी खेती की जाती है। इसके बाद है, किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है, फेनी शराब को पैदा किया जाता है कौन से स्टेट में, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा के अंदर ये शराब है बनाई जाती है। इसके बाद है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है, समय सीमा आपसे पूछी गई है, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो उसकी जो समय सीमा है वो क्या रहती है, तो ये रहती है दोस्तों 10 वर्ष के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, फिर नए प्रोडक्ट को वो जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि बैलेंस है वो बना रहे इनके बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताया करें जो भी आपका ओपिनियन हो वीडियो को लेकर। और अभी तक आपने हमारी ई बुक परचेज नहीं की है तो कर सकते हैं आप, एग्जाम के 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आप आसानी से जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसकी रिविजन कर सकते हैं। मात्र 2 से 3 घंटे में आप इस बुक से जनरल अवेयरनेस की रीडिंग कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन है। देखिए प्रैक्टिस सेट भी अगर आप लगाना चाहे तो, लेकिन उसमें आपका हो सकता है टाइम चला जाए, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो 2 से 3 घंटे में आप इसकी रिवीजन कर लेंगे आराम से। इसमें बैंकिंग करंट अफेयर्स है, स्टैटिक्स है, सामान्य सचेतता के क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो एग्जाम से रिलेटेड है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो इसमें मेंशन है, 350+ MCQs है। फ्री में दोस्तों इसमें योजनाएं, पुरस्कार, बजट, बीमा, बैंकिंग उद्योग, ताज़ा आंकड़े, RBI अब तक, मुद्रा, इन सभी के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो इस बुक में हमने मेंशन किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक टैग दिया है, परीक्षा के लिए ये बुक रामबाण है। जनरल अवेयरनेस की आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और ये बुक जो है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।